नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एससी ईस्ट बंगाल एफसी से जुड़े लेटेस्ट ट्रांसफर न्यूज़ के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बात करूंगा, उससे पहले मैं आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, सुना जा रहा है कि एससी ईस्ट बंगाल एफसी ने तोमिस्लव मार्चेलक को रिलीज़ कर दिया है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, स्ट्रॉन्ग सोर्स से ये पता चल रहा है कि तोमिस्लव मार्चेलक को इंजरी के कारण एससी ईस्ट बंगाल एफसी ने रिलीज कर दिया है। तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट मुझे लगता है कुछ घंटों के बाद, या थोड़ा समय लगेगा, आ जाएगा तोमिस्लव मार्चेलक को लेकर। तो दोस्तों, तोमिस्लव मार्चेलक को एससी ईस्ट बंगाल एफसी ने रिलीज कर दिया है और रिलीज किया है इंजरी के कारण। तो दोस्तों, तोमिस्लव मार्चेलक पिछले कई सारे मैचेस को मिस कर रहे थे इंजरी के कारण, और हमने देखा है पिछले एक दो मैचेस से वो बेंच में भी थे। लेकिन दोस्तों, उनका इंजरी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण एससी ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट मजबूर हो गई उनको रिलीज करने के लिए। तो दोस्तों, तोमिस्लव मार्चेलक एक एशियन कोटा फॉरेन प्लेयर के रूप में एससी ईस्ट बंगाल एफसी में साइन किया था, तो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता था दोस्तों तोमिस्लव मार्चेलक, लेकिन अब रिलीज़ किए जा चुके हैं एससी ईस्ट बंगाल एफसी की तरफ से, ऐसा खबर आ रहा है। और उनके रिप्लेसमेंट में एक नया एशियन कोटा सेंटर बैक एससी ईस्ट बंगाल एफसी ने साइन कराया है, जिनका नाम है दोस्तों अनंत तमांग। अनंत तमांग के बारे में बात किया जाए तो अनंत तमांग 24 वर्ष के खिलाड़ी है, इनका मेन पोजीशन है सेंटर बैक और ये नेपाल से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, ये पहले ऐसे नेपाली प्लेयर होंगे जो आईएसएल में खेलते हुए नज़र आएंगे हम सभी को। तो अनंत तमांग ने एससी ईस्ट बंगाल एफसी को साइन किया है और तोमिस्लव मार्चेलक के रिप्लेसमेंट में। तो तोमिस्लव मार्चेलक भी एज ए एशियन कोटा फुटबॉल प्लेयर साइन किए थे एससी ईस्ट बंगाल एफसी में, तो अनंत तमांग उनको रिप्लेस किया है। तो दोस्तों, एक सवाल तो आप लोगों के मन में आ ही रहा होगा कि जनवरी ट्रांसफर विंडो तो खत्म हो चुका है, तो अनंत तमांग को ईस्ट बंगाल एफसी ने कैसे साइन करवाया। तो मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं, अनंत तमांग किसी भी क्लब के साथ कॉन्ट्रैक्टेड नहीं थे, तो इसीलिए ईस्ट बंगाल एफसी को किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा अनंत तमांग को अपनी टीम में साइन करवाने के लिए। अगर अनंत तमांग किसी क्लब के साथ जुड़े हुए होते, कॉन्ट्रैक्टेड होते, तो यहां पर ईस्ट बंगाल एफसी को प्रॉब्लम हो सकता था, क्योंकि अभी जनवरी ट्रांसफर विंडो बंद हो चुका है। तो अगर जनवरी ट्रांसफर विंडो ओपन होता तो कोई भी क्लब किसी भी प्लेयर को साइन करवा सकती है, ऐसा रूल है। और जनवरी ट्रांसफर विंडो अगर ओपन ना हो और कोई भी प्लेयर फ्री एजेंट हो तो कोई भी क्लब उस प्लेयर को साइन करवा सकता है। तो दोस्तों, इसीलिए ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट को प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ा अनंत तमांग को अपनी टीम में साइन करवाने के लिए। तो जनवरी ट्रांसफर विंडो ओपन ना भी हो और कोई प्लेयर फ्री हो, फ्री एजेंट हो, तो उसको कोई भी क्लब किसी भी समय साइन करवा सकता है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।